बीटीएस न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का बीटीएस न्यूज़ में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। कहाँ पे आए हो और क्या रसूख है? हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस आए हैं। हमारी कमिश्नर साहब से यही अपील है कि ये जो भी हमारे साथ में चार महीने से हमको हैरान परेशान कर रहे, ये हमेशा तरवाला ले लेके खुलेआम आते हैं मेरे भाइयों को, मेरे भाई के लड़के को हैरान परेशान करते, तो हमको इंसाफ मिले और न्याय मिले। ये लोग चोर चिटर है, ये पूरी गैंग है इनकी, मलिक गैंग, ये इसका छोकरे चलाता है ये। आप कहाँ पर रहते हो? ये लड़के कहाँ? हनुमान नगर के अंदर हम रहते हैं, वो कमरू नगर में रहते हैं। उनका कहना है उनको छोकरों को चोरिया चपाटिया कराता है। अभी मेरे भाई में पार्सल का काम चलता था, उसके पास के दो तीन छोकरे मेरे भाई के पास काम पे लग गए 3 महीने पहले, तो उसका कहना पड़ता है कि ये काम पे लग गए ना तो तू मेरे को तेरे काम में से हिस्सा दे मेरे को पैसा। मेरा भाई इतना कमाता नहीं, उसका परिवार पालेगा कि इसको पैसा देगा? ये वजह से बार बार तरवाला फटके लेकर आता और धमकियां देता। कल घटना ये हुई कि मेरे भाई का लड़का, हमारी चाची होटल चलती अंबेगढ़ नगर के अंदर, तो वहाँ बैठा हुआ था जाकर ना, तो ये लोग डायरेक्ट आए 5 जने, मलिक और उसके 4 लड़के, ये इमरान डुगरिया, दूसरा है तो आमीन, ये 5 जने आए और वहाँ से उतर के मेरे छोकरे को इसको मारने लगे, और मारने के बाद में चाकू मारने गए पेट में, तो ये गिर गया नीचे, तो इसके पाँव में लग गया। आपने पुलिस फरियाद की? थाने कोलोजन में पुलिस फरियाद करने गए, तो वहाँ इसमें हम लोग पहले दवा खाने गए, तो वहाँ उन लोग ने बोले कि वो फरियादी हो गई तुम्हारी, पर वहाँ से कोई हमको कागज फरियादी का मिला नहीं। फिर ये लोगों ने हमारे को पुलिस स्टेशन भेजे, हम 8 बजे से जाके बैठे ले, हमको 1 बज गया, पर पुलिस ने कोई सुनवाई ली नहीं, और पुलिस हमारे से इस तरह से बात करने लगी लेडीज के साथ, क्या कोई याद नहीं, मतलब मैं बहुत बदतमीजी से बात करी पुलिस ने, निम्बाय पुलिस ने हमारे साथ। अभी आप कहाँ पर आए हो, क्या मांगे? अभी हमारी यही मांगे, हम कमिश्नर ऑफिस आए लें, कमिश्नर साहब से हमारी अपील है कि हमारे को न्याय मिले और वो लोगों को हमारे को मतलब मैं जानलेवा हमले का हमेशा मेरे भाइयों को डर है उनसे, तो जल्द से जल्द ये कार्रवाई करके ना हमको इंसाफ देना मिले। मेरा नाम शेख साहिल इकबाल। क्या हुआ था? मैं बैठा हुआ था अनवन नगर ब्रिज के नीचे सामने अंबेगढ़ नगर के पास, तो 5 जन आए पीछे से अचानक और मुझे मारने लगे चाकू से फटके से, नीचे गिरा के मुझे मारने लगे। फिर मैं वहाँ से मेरी जान बचा के मेरे घर पे मेरे भागते भागते वो आया मैं, फिर मेरी मम्मी ने मुझे मेडिकल कॉलेज लेके गया, मेरी सारोवर की वहाँ पे, और मुझे अभी नाता है। किसने मारा और क्यों मारा? ये दुश्मनी गाड़ी है मेरे चाचा के साथ, तो मेरे ऊपर ये लोगों ने दुश्मनी गाड़ी में बैठा हुआ था वहाँ पे, तो आए ये लोग इमरान डुबरिया और आमीन और एक उसके साथ उसका नाम बबलिया, बबलिया बोलते हैं उसको, बब्या ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो क्यों मारा? ये मेरे चाचे के साथ इनका कुछ झगड़ा हुआ था पहले 3 महीने पहले, तो ये अदालत में मुझे ये लोगों ने वहाँ पे मारा। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है मैं कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए। क्या हुआ था, घटना हुआ था, कहाँ पे आप आए, क्या मांगे आप? हम कमिश्नर ऑफिस में आए हैं, हमको ये हम इस इच्छा से आए हैं यहाँ कि हमको न्याय मिले। कल ये मेरे भाई के लड़के को ये लोगों ने मारे 5 जनों ने, ये मलिक गैंग है पूरे, ये मलिक और उसके 4 लड़के ले कल आए थे, और वहाँ आके ना मेरे ये मेरे भतीजे को लोगों ने मेरे भाई के लड़के को चाकू से मारे, वो मारने गए पेट में लेकिन उसको पाँव पे लग गया। अब हम यहाँ आए ले कमिश्नर ऑफिस, तो हमारे को कमिश्नर साहब से यही अपील है कि हमको न्याय मिले और इंसाफ मिले हमारे को। ये लोग चार महीने से हमारे को हैरान परेशान कर रहे लोग। ये पुरानी अदावत ऐसी है कि लड़के ये चोरिया करने भेजता, वो लड़के मेरे भाई के पास में काम पे लग चुके हैं, तो उसका कहना पड़ता है कि ये काम को लग गए ना तो तू मेरे को काम में से भाग दे। मेरे भाई की इतनी वो नहीं है कि उसको भाग देगा, तो बार बार धमकियाँ दे रहा फोन पे। अभी हमारे साथ यहाँ तक कि रिक्शा वाला आया था, उसको भी धमकी दिया, तो रिक्शा वाला हमको छोड़ के भाग गया, रिक्शा वाला भी चला गया हमारे को कोरट से छोड़ के ना। पुलिस आपकी सुनती है नहीं सुनती? पुलिस हमारी सुनवाई नहीं ले रही। पहले हमने सलादपुरे में 3 महीने पहले भी हमने वहाँ फरियादी करी थी, पर वो लोगों ने कोई इतनी कार्रवाई करी नहीं और इतनी सुनवाई ली नहीं हमारी। और अब भी हम कल भी गए वहाँ पर, ये लोग ने छोकरे को मारने के बाद फिर और ये लोग 10-15 लोग गाड़ी पे तरवाले लेकर आए मेरे भाई के पीछे भागे भी, तो वो वहाँ फरियादी करने गए तो डायरेक्ट बोलते पुलिस वाले कुछ लगे लाए कोई को मारे लाए तो लाओ तुम यहाँ, ऐसे हम फरियादी नहीं लेंगे, तो पुलिस मतलब में कोई का मर्डर हो जाएगा,
कुछ हो जाएगा, जब फरियादी लेंगे हमारी, माता से फरियादी नहीं ले सकते पुलिस हमारी, तो कल भी हमारे को वहाँ से अकल दिए, फरियादी हमारी ली नहीं पुलिस ने, सलाहपुरे की पुलिस ने, और जो निम्बायक पुलिस स्टेशन में गए हम लोग, तो वहाँ भी हमको 8 बजे से 1 बजे तक बैठा के रखे, उस बार फरियादी ली है भी, पर हमको वहाँ से कुछ दिए नहीं, एफ आई आर की कॉपी जीपी कुछ नहीं दिए नहीं उन्होंने। अभी हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस इसीलिए आए, हमने यहाँ बात करे, तो अभी हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए यहाँ से बस। किसने मारा था? नहीं भाई, किसने मारा था आपको? ये 5 जन ने मारे मुझे। कहाँ पे मारे थे? मुझे लिम्बायत विस्तार में मारे, अली गली के सामने बीच के नीचे। सीसी कैमरे है इसके? है तुम्हारे पास? हाँ, मोबाइल में ना, जिधर गई था उसमें मेरे पास है, भेजता हूँ। सीसी कैमरे है ना? हाँ, थोड़ा ढेर ढेर मिलता होता है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।